मुझे सुनाइए ना। अरे मुझे नहीं आती, बता दीजिए माम प्लीज। ओहो मैं हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। अच्छा ठीक है, एक कहानी सुनाऊंगी। एक बूढ़ी औरत पहाड़ पर रहती थी। वो पहाड़ से नीचे आई तो बीमार हो गई और फिर सातवें दिन वो और बीमार हो गई। नहीं नहीं वो ठीक हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? बस और क्या, उसके बाद कहानी खत्म। डरावनी कहानियाँ क्या ऐसी होती हैं? ये डरावनी ही तो है। उस बुढ़िया ने चावल खाया और वो बीमार पड़ गई। हाँ क्या सच में ऐसा हुआ? अरे वाह मॉम, आपने तो बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि वो औरत ठीक हो गई थी। वो तो डरावनी कहानी नहीं थी। लेकिन तुम डरावनी कहानी सुनना ही क्यों चाहते हो? आज हम जियान के घर डरावनी कहानियाँ सुनाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ मेरी कहानी सुनकर सब कांपने लगे। वैसे सबसे पहले तो तुम ही कांपने लगोगे। अरे हाँ मुझे याद आया, हॉरर स्टोरी लैंप। अगर कहानी सुनाते हुए इसे इस्तेमाल करोगे तो वो कहानी सच हो जाएगी। हाँ? और इस तरह इस गैजेट की मदद से तुम्हारे सारे दोस्त बहुत डर जाएंगे। अच्छा ऐसा है? हाँ ऐसा ही है, लेकिन कहानी सुनाते हुए तुम खुद मत डर जाना। चलो अब अपनी अपनी डरावनी कहानियाँ सुनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे नोबिता तुम तो हो ही डरपोक। ठीक है तो सबसे ज्यादा डरावनी कहानी सुनाने वाला ही जीतेगा। मैं अपनी कहानी से सबको बहुत डराने वाला हूँ। मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो फिर शुरू मेरी डरावनी कहानी से करते हैं। ये बात बहुत समय पहले की है, बहुत पुरानी। ऐसे ऐसे मत बोलो, थोड़ा खुश होकर बोल सकते हो। अरे डरावनी कहानियाँ इसी तरह सुनाई जाती हैं। लेकिन बिना डरावने माहौल के कोई मजा नहीं है नोबिता। वो एक सामुराई का घर था। एक औरत जिसका नाम ओकीकू था वो वहाँ काम करती थी। उसने गलती से वहाँ की एक कीमती प्लेट तोड़ दी। ये क्या किया तुमने? इतने महंगे सेट की एक प्लेट तोड़कर तुमने सारा सेट खराब कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उसको बहुत सख्त सजा दी गई और उसे कुएं में फेंक दिया गया। और उस दिन से हर एक रात मैं रोज एक प्लेट तोड़ूंगी, 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 रोज एक प्लेट तोड़ूंगी। पता नहीं क्यों मुझे इस कहानी में इतना डर नहीं लगा। दोस्तों अब कहानी सुनाने की बारी मेरी। दोस्तों अब मेरी कहानी सुनो ध्यान से। एक काली घनी बरसात की रात थी और एक यात्री पहाड़ की वादियों में कहीं खो गया था। और तभी उसे एक पुराना घर दिखाई दिया और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा एक आवाज के साथ खुला और सामने एक बूढ़ी औरत थी। उसने यात्री को रात में रुकने की इजाजत दे दी। आधी रात को जब उस यात्री की आंख खुली तो उसने सुना कि जैसे कोई चाकू पर धार लगा रहा हो। और फिर उस परछाई की कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, तेज और तेज। मैं
और फिर दरवाजा खुल गया। हे, तुम कहानी का मजा क्यों खराब कर रहे हो? मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है जो। चलो अब मेरी बारी आ गई है, मैं कहानी सुनाना शुरू करता हूँ। दोस्तों ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है जो कि मेरे दोस्त के अंकल के साथ हुई। क्या ये असली कहानी है? एक बार एक आदमी अपना काम करके वापस अपने घर लौट रहा था। वो इधर उधर घूम घूम के चल रहा था क्योंकि वो बहुत खुश था। सुनिए, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बहुत क्या हुआ सर, क्या बात है? मैंने वहां कुछ देखा, भूत। सच कह रहा हूँ। आप क्या बेकार की बातें कर रहे हो सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेरी बात बेकार की लग रही है? अगर आप देखते तो डर जाते। क्या कहा? वो डरावना था क्या? वो भूत जो आपने देखा था, क्या उसका चेहरा ऐसा था? और मेरी कहानी खत्म हुई। सुनियो, क्या इसमें कुछ डरावना था? हाँ, मुझे तो इसमें डर ही नहीं लगा। नोबिता, इतने डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी बारी है, चलो हमें कुछ सुनाओ जल्दी। नहीं नहीं, मैं नहीं सुना सकता। तुम सुनाते हो या नहीं? अगर मैंने डरावनी कहानी सुनाई तो हम सब पूरी तरह से डर जाएंगे। हमें ऐसे डराने की तरकीब पुरानी हो गई है। चलो नोबिता। क्या तुमने हमें अपने जैसा समझा है नोबिता? चलो जल्दी सुनाओ अब। मुझे नहीं पता अब क्या होगा। अच्छा माहौल है। एक बार की बात है, मैं नहीं कर सकता। तुम जल्दी से कहानी शुरू करो, समझे? हाँ, मूड खराब मत करो। तो फिर ठीक है, उसने प्लेट तोड़ दी और कुएं में चली गई। ये तो मेरी कहानी जैसी है। मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। लेकिन इस घर में हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। अरे वहाँ जरूर कोई चूहा होगा, तुम लोग चिंता मत करो और कहानी आगे सुनो। दोस्तों घर चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम बस कहानी सुनाओ। हाँ हाँ, कहानी सुनाओ। और फिर उसके बाद कमरे में जलती हुई मोमबत्ती बुझ गई और अंधेरा छा गया। हवा से सिर्फ मोमबत्ती बुझ गई है, इसमें डरने वाली क्या बात है? उसने डरावनी आवाज के साथ गिनती की। 1, 2, 3। उसने गिनती की, उसने गिनती की। तुमने सुना दोस्तों उसने क्या कहा? नोबिता चुपचाप बैठ के कहानी सुनाओ। क्या ये सब? अरे तुम्हारे पास कोई और कहानी नहीं है क्या? कुछ और सुनाओ। 5, 6, 7, 8, 9। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं कितनी बार भी गिनती करूं, ये सिक्के 9 ही रहते हैं, पता नहीं क्यों। अब तुम डरते ही रहोगे, आगे भी सुनाओगे? जल्द ही कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी, दबे हुए कदमों की आहट, ठक 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 ठक। फिर एक परछाई विंडो से नजर आने लगी। आजकल के बच्चे इतनी देर तक जागते हैं, भागो। बच्चों को जल्दी सो जाना चाहिए, माँ बाप ने कोई अच्छी आदत ही नहीं सिखाई इन्हें, इनकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया।
चलो थाने चलो। मैंने तुमसे कहा था मत सुनो मुझसे कहानी, लेकिन तुम लोग। तुम्हारी कहानी तो डरावनी थी, आज के विनर तुम ही हो। मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, तुम्हें खुश देखकर मुझे भी खुशी हुई। शुक्रिया। मैं हमेशा से चाहता था मैं एक बिना चेहरे वाले भूत को बुलाऊं। तुमने लैंप के सामने ये क्यों बोल दिया? अरे ये तो सच में आ गया। और ये मॉम जैसा है। तुम दोनों कितने बुरे हो, मेरे चेहरे पर फेस मास्क लगाया है।